again. So let's get it. भाई स्वागत है हमारी नई वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम भाई IQ 12 के अनबॉक्स फर्स्ट इंप्रेशन इस वीडियो के अंदर हम दिखाने जा रहे हैं। ये तो गाइस इस वीडियो के अंदर आप बने रहिए और आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। और एक ऐसा डिवाइस है, बहुत ज़्यादा मस्त डिवाइस लेकर आया है IQ 12। तो चलिए शुरू करते हैं इसी अनबॉक्सिंग से। तो गाइस यहाँ पर ब्लैक कलर का बॉक्स यहाँ पर हमें देखने में जा IQ 12 का यहाँ पर बॉक्स देख सकते हो, बिल्कुल ब्लैक कलर का है। और गाइस जल्दी से इसके जो रैपर है उसको हटा लेते हो। गाइस कंपनी अच्छा काम करने रैपर हटाने के लिए यहाँ पर एक छोटा कटआउट यहाँ पर देखने को मिल जाता है और आसानी से रैपर हटा लेते हैं, जिससे भी डिलीवरी बॉय आता ना जल्दी खोल नहीं पाते हैं बॉक्स को हम। तो गाइस यहाँ पर मैंशन किया हुआ IQ 12। तो गाइस एक बार रैपर हटाने के बाद ऊपर भी IQ 12 और IQ की ब्रांडिंग और मोटर स्पोर्ट की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और फोन एजेंट बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर व्हाइट कलर का IQ का मोबाइल देखने को मिल जाता है, IQ 12 देखने को मिल जाता है। एक बार साइड में रख लेते हो, बॉक्स के अंदर देखते हैं भाई क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो गाइस एक कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसके पीछे आपको सिम इंजेक्टर टूल यहाँ पर देखने को मिल जाता है और एक केस, नॉर्मल केस देखने को मिल जाता है जो कि भाई रबर केस है। और गाइज जो भी यहाँ पर 120 वोट का फास्ट चार्जर यानी वही फ्लैश चार्जर यहाँ पर आपको साथ में देखने को मिल जाती है, C2C केबल साथ में देखने को मिल जाती है। और वीवो का ये वैसे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन ये भाई चार्जिंग आपको पता है वीवो सब ब्रांड है, यानी सॉरी IQ सब ब्रांड है वीवो का, तो इस कारण यहाँ पर चार्जर भी वीवो का देखने को मिल जाता है। तो गाइज बैक में आपको ग्लास फिनिशिंग देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन के अंदर। और स्पेसिफिक बात करते हैं ये फोन गाइज रैम की बात है, जो हमारे पास वेरियंट है 12 GB रैम, 8 GB एक्स्ट्रा रैम बढ़ा सकते हो, 256 GB स्टोरेज, UFS 4.0 यहाँ पर देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। और गाइज बात कर लें यहाँ पर बिल्कुल यहाँ वॉल्यूम बटन अप एंड डाउन के लिए और लॉक देखने को मिल जाता है, और स्पीकर ग्रिल, आयर ब्लास्टर और नीचे भी सिम ट्रे, USB-C टाइप केबल और स्पीकर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साइड में आपको फ्लैट कुछ नहीं देखने को मिलता है। और गाइस बात कर लेते भाई इसकी ये नेटवर्क की, 3G 4G 5G 5G बैंड्स यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देखने मिल जाता है। और 5.4 यहाँ पर L2V देखने मिल जाता है, USB-C वर्जन 2.0 देखने, USB ऑन द गो देखने मिल जाता है, Wi-Fi 7 देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको। और गाइस बहुत सारे फीचर स्मार्टफोन जो कि भाई सबसे मैंशन किया, बैक में आपको यहाँ पर कवर तो देखने मिल जाता है, कवर एक बार फिट कर लेते हैं यहाँ पर और ओपन कर लेते हो। ओपन करते हैं यहाँ पर आयरन OS कपड़ो 4 कपड़ो जो IUI देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात का कलर एमुलेट यहाँ पर स्क्रीन देखने में जाती है, 6.7 इंच की डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, 453 PPI, 20.9 HDR10 कलर कंट ग्राउड डिस्प्ले यहाँ पर देखने में, 300 nits तक की ब्राइटनेस यहाँ पर, पिक ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पर देखने में जाती है। और गाइज यहाँ पर आपको OS एंड्रॉयड 14 पर चला, ओरिजिन OS 4 पर चला, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है और 3.3 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर यहाँ पर एंड्रॉइड 750 देखने को मिल जाता है। और गाइस जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, ये गाइस पहले ही हमने आपको बताया था कि भाई ये भाई उस स्मार्टफोन के अंदर भी आया है, 14 Xiaomi 14 के अंदर सबसे पहले आया है। और एक्स्ट्रा फीचर की बात करते हैं यहाँ पर गाइस डुअल बैंड देखने में जाता है, और इन यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने में जाता है, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, स्पेक्ट्रम यहाँ पर भाई 3.5 mm जैक यहाँ पर देखने में, NFC देखने को मिल जाता है और 3.5 mm जैक यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर सभी प्रकार के सेंसर भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर भी यहाँ पर फ्लैश लाइट देखने मिल जाती है। और गाइस जो नीचे हुई IQ लोगो और मोटर स्पोर्ट की यहाँ पर ब्रांडिंग जो लोगो है आप देख सकते हो, साइड में आपको अप एंड डाउन के वॉल्यूम बटन और यहाँ पर थोड़ा क्राउड देखने को मिल जाता है हमें, ये देख सकते हो। बिल्कुल फ्लैट फ़ोन है और मज़ा आ जाता है ऐसे फ़ोन को देखकर, हाथ में भी अच्छा फील देखने को मिल जाता है। और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर भी भाई जो फ़ोन की क्वालिटी बहुत ही फ्लैक्सिव डिवाइस है, और यहाँ पर भी आपको गेमिंग के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा अब इस IQ के अंदर, क्योंकि गाइस फोन के अंदर IQ भरपूर गेमिंग के लिए एक अच्छा चिपसेट भी लगाया हुआ है। तो गाइज यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि इन डिस्प्ले के अंदर, और थिकनेस बारे 8.1 mm थिकनेस, 198.5 ग्राम देखने को मिल जाता है, और इन फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर ही। और गाइज यहाँ पर आपको चारों तरफ यानी रिंग देखने को मिल जाती है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 MP का भाई वाइड एंगल कैमरा, 1080p तक की FHD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरे की 15 MP का भाई जो वाइड एंगल है OIS के साथ, 64 MP का भाई टेलीस्कोप और 50 का भाई अल्ट्रा वाइड HDR जो कि भाई सब कुछ यहाँ पर देखने मिल जाता है इसके फ़ोन के अंदर। और गाइस बात करते हैं यहाँ पर पिक देख सकते हो भाई जो हमने यहाँ पर ली है IQ 12 के साथ,
और गाइज यहाँ पर भी जो ना इस फ़ोन के अंदर एक खास बात ये हाथ में अच्छा फील होता है, 5 MAH की बैटरी देखने मिल जाती है, चार्जिंग 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग देखने मिल जाती है। तो गाइज ये था हमारा IQ12 का स्मार्टफोन, आपको कैसा लगा है? तो गाइज आपको IQ का ये स्मार्ट ब्रांड है और IQ का ये स्मार्टफोन कैसा लगा है? और गाइज इसके अंदर भरपूर जो गेमिंग के मामले में बोलो तो Q1 चिप लगी हुई है, जिससे भी आप गेमिंग आराम से कर सकते हो। और प्राइस की बात कर लेते हैं गाइज, इसकी प्राइस मैक्सिमम जो भी अभी तक मुझे पता है जितना, लेकिन बाद में ये अगले मंथ ही लॉन्च होगा, जो 45-46 हज़ार तक की प्राइस में आ सकता है IQ12। तो गाइज देखते हैं क्या कुछ लेकर आता है और भारत में किस प्राइस में लॉन्च होता है। वैसे जितना भी अभी पता लगा कि भाई 45-46 हज़ार तक का ये फ़ोन आ सकता है, और बैक में ग्लास देखने मिल जाता है, कैमरा बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, सब कुछ हमने वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बता दिया है। और गाइज आपसे एक सी रिक्वेस्ट है कि चैनल के लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि गाइज ऐसी अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, और आगे भी ऐसी और वीडियो बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।